हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द केसी व्लॉग्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रेड रेड गाड़ियाँ खड़ी है। कौन कौन सी है? एक हीरो, एक होंडा है। होंडा की कौन सी? सीबीआर 250 आर, जो आपकी पुरानी आती थी, जो कि डिसकंटिन्यू हो चुकी है। यहाँ पे ऑल न्यू करिश्मा एग्जाम आर 210, ये 210 सीसी है, ये 250 सीसी है। तो पावर में यहाँ पे अंतर होने वाला है, क्योंकि इसकी जो पावर है 25 पीएस की, इसकी जो है 27 पीएस की है। टॉर्क की बात करूँ, 22 एनएम का टॉर्क देखने को मिलता है, इसमें आपको 20 एनएम का टॉर्क देखने को मिलता है। तो पावर में 2-2 पीएस और 2 एनएम टॉर्क का डिफरेंस है। देखेंगे इस रोड में क्या रिजल्ट होगा, क्योंकि मेरा वेट जो है वो ज़्यादा है हमारे शैडो भाई से, 15 केजी का डिफरेंस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है हेड टू हेड होने वाली, अगर मैं सीबीआर चलाता हूँ तो पहले मैं सीबीआर ही चलाऊंगा, देखेंगे, क्या पता यहाँ पे थोड़ा सा हेड टू हेड देखने को मिल जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी ड्रैग को और दिखाते हैं आपको परफॉर्मेंस जोरदार। तो चलिए सीबीआर चलाऊंगा मैं पहले, क्योंकि मैं भारी हूँ तो मैंने थोड़ा सा पावरफुल वाली बाइक ले ली है, ताकि रिजल्ट का फेयर रिजल्ट निकल गया है ना भाई। ये पुरानी वाली गाड़ी जो है ना, बहुत तगड़ी है ये, एक नंबर स्टेबिलिटी के मामले में बढ़िया है। बाकी करिश्मा भी बढ़िया है, लेकिन थोड़ा सीसी कम होने के कारण वहाँ पे थोड़ा सा डिसएडवांटेज मिलेगा करिश्मा में, वो हम देखेंगे इस रोड पे। बहुत गजब पावर है भाई इसमें। अबे पहले लॉन्च कर दिया भाई कुंदन भाई। कोई फायदा ही नहीं है इसका, गजब भाग रही है यार ये। कुंदन भाई पहले लॉन्च कर दिए, गलत बात। चलो देखते हैं टॉप एंड में क्या रहता है। मैंने गियर लगाया लेकिन शिफ्ट ही नहीं हो रहा था, ये देखो शिफ्ट नहीं हो रहे भाई। छठा गियर लगा दिया, देखते टॉप एंड में क्या रहता रिजल्ट। सीबीआर काफी तेजी से भाग रही है, विंड ब्लास्ट काफी लग रहा है वैसे तो। दूर है यार, जीत नहीं सकती वो इससे, बहुत तगड़ी भाग रही है ये। लिमिटर आ गया भाई 149 पे। हाँ भाई शैडो क्या कर रहे हो, गाड़ी रोक देनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। ज्यादा लंबी करके आपको क्या ही बोर करे हम, क्योंकि यहाँ पे करते हैं लॉन्ग रेस नहीं, ड्रैग रेस। 149 पे इसका लिमिट आ रहा है, नहीं निकल पाएगी भाई होंडा या हीरो। होंडा आ गया भाई। तो ड्रैग रेस का जो रिजल्ट है ना, तुरंत पता चल जाता है, और यहाँ पे तुरंत पता चल गया है कि शैडो व्लॉग जो हैं करिश्मा चला रहे थे और वो नहीं आगे निकल सकते, 15 केजी ज्यादा होने के बाद भी मेरा बहुत तगड़ी भाग रही भाई है। हाँ उसके बाद 149 पे इसका लिमिटर आ ही जाता है, इसलिए मैंने गाड़ी रोक दी ना। फिर ये तो काफी स्मूथ होगी ना। हाँ बहुत स्मूथ होगी, स्मूथ भी है और भाग भी रही है तेज। चलिए भाई हम चलाएंगे अब इसको और देखते हैं क्या होते हैं रिजल्ट। मतलब ही नहीं है, देखो कैसे भाग रहा है वो। ये निकली भाई सीबीआर निकल गई। सीबीआर का भाई क्या गजब क्लच है, बहुत तेज भाग गया यार, देखो कोई मतलब नहीं है, बहुत ही तगड़ी भाग रही है ये। छठा गियर में लगा दिया, अब देखते क्या रहता है रिजल्ट। नथिंग हो भाई सीबीआर के सामने, हालांकि सीसी ज्यादा है वो, पर स्टिल यार करिश्मा का जो परफॉर्मेंस है एक 200 सीसी पे अभी तक का जोरदार है। 140 जा चुकी है,
अब लगा दिया हमने छठा गियर। का जो परफॉर्मेंस है एक 200 सीसी पे अभी तक का जोरदार है, जोरदार एकदम तहलका मचा देने वाला। लिमिटर आ रहा है 157, गजब की पावर है भाई। अब गाड़ी अब लंबा खींच के कोई मतलब ही नहीं है, यहीं पे आ गया लिमिटर, रुक जा भाई, अब कोई मतलब नहीं यार। इतनी तगड़ी भाग रही है, इतनी तगड़ी भाग रही है CBR। टोकन जाए या ना जाए 149 पे इसका आ जाता लिमिटर, निकल ही नहीं पाती। तो अभी आप लोग ने गाइस देख लिया सब कुछ, इनिशियल में भी तगड़ी है और टॉप एंड में भी तगड़ी है। तो आप लोग क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं क्योंकि यार ज़्यादा लंबी करके आपको भी बोर नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन राइड सेफ से हेलमेट पहन के राइड करिए, मस्त रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।